बहुजन अघाड़ी ये उद्देश्य के साथ गठित की है कि समाज के अंदर जिन लोगों को 70 साल से यहाँ की राजनीतिक पार्टियों ने दलों ने आज तक नुमाइंदगी नहीं दी, जिनको पहचाना नहीं, सिर्फ वोट के माध्यम से उनका इस्तेमाल किया और 70 साल के अंदर जिनकी प्रगति नहीं हुई, उन समाज को इकट्ठा करने की बात करती है और उनको इकट्ठा किया है। पिछली लोकसभा के चुनाव में यही वंचित समूह जो है, इन्होंने वंचित बहुजन अघाड़ी को करीब करीब 40 लाख वोट दिए और वंचित की एक ताकत महाराष्ट्र में की शुरुआत की। अन्य राज्यों में भी चिंगारी लग चुकी है और वहां भी वंचित समूह जो है वो राजनीति अपने तौर पर करने की बातचीत कर रहा है। मैं सभी दानिश लोगों से विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वो ये जो गरीब कुचला वर्ग है कि जो अपनी एक पहचान बनाना चाहता है, अपना एक वजूद बनाना चाह रहा है, उसको मदद करें। किसी भी प्रकार की मदद उचित है। जो अपना समय दे सके वो समय दे, जो अपनी बुद्धि दे सके वो अपनी बुद्धि दे, और जो ये दोनों नहीं दे सकते, मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो धन की राशि भी दे। धन की राशि जमा करने के लिए हमने ourdemocracy.in इनको फिक्स किया है, उनके माध्यम से ही कलेक्ट किया जाएगा। और किसी को वंचित बहुजन अघाड़ी ने फिक्स नहीं किया है, ना उनको अधिकार दिया हुआ। अधिकार सिर्फ हम लोग ने ourdemocracy.in को दिया है। आप जितनी भी राशि दे उतनी राशि हम लोग स्वीकारने के लिए तैयार है। मैं ये समझता हूँ कि समृद्धि भारत को और इकट्ठा भारत को बनाने के लिए आप वंचित बहुजन अघाड़ी को तन मन धन से सहयोग करेंगे, यही उम्मीद मैं करता हूँ।